एक जमाने में मालानी के गांधी के नाम से ख्यातनाम वृद्धिचंद जैन की शुक्रवार को पुण्यतिथि थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने इस कद्दावर नेता को याद तक नहीं किया। सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके वृद्धिचंद जैन को अपनी ही पार्टी द्वारा ऐसे बिसरा देना समझ से परे है। जबकि एक जमाने में बाड़मेर और जैसलमेर की हर टिकट का अंतिम फैसला जैन ही करते थे। एक रिपोर्ट। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद एवं बाड़मेर के पूर्व विधायक वृद्धिचंद जैन की शुक्रवार को पुण्यतिथि थी। दिवंगत गांधीवादी नेता को कुछ जगहों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में कोई आयोजन नहीं हुआ। स्वर्गीय वृद्धिचंद जैन के बारे में यज्ञ जोशी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि आज हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमेशा पार्टी के पदाधिकारियों व सरकार में रहते हुए किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज़ को मजबूती से उन्होंने उठाया था। वे जीवन पर्यंत किसानों व कमजोर वर्ग को आगे लाने के प्रयास करते रहे। स्वर्गीय श्री वृद्धिचंद जी जैन शुरू से सादगीपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे एवं उनकी छवि एक ईमानदार राजनेता के रूप में रही। वे इतने दमंग थे कि जो कोई काम अपने हाथ में लेते थे उसको कितनी बार भी अगर संबंधित अफसर या मंत्री को कहना पड़े उसको कह के और पूरा करने में हमेशा अपने तत्परता दिखाते थे। उनके चुनाव भी लोग लड़ते थे, चुनाव में जो खर्च होता था लोग अपने आप अपने स्तर पर चंदा करके उनके चुनाव का खर्च वहन करते थे, इसलिए उन्हें कभी पैसे से मोह नहीं रहा और हमेशा उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए ही अपना जीवन व्यतीत किया। तो मैं वृद्धिचंद जी का जो जीवन देखें तो एक बस स्टैंड तक सीमित रहे ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं था। उनके नाम से कई दिल्ली में, क्योंकि वे विधायक के साथ साथ सांसद भी रहे, इसलिए उनके नाम से कोई बड़ा स्टेडियम है, कोई बढ़िया पुल है, सिर्फ बस स्टैंड पर नामकरण करना उनकी जो व्यक्तित्व है उसको ये छोटा करता है। मूर्ति लगनी चाहिए। अभी भी हमारे कांग्रेस कार्यालय में जब बात उठी थी तो विधायक जी ने कहा था कि जल्द ही बोर्ड से प्रस्ताव देके और संभागीय आयुक्त से स्वीकृति लेके मूर्ति लगा देंगे। पूर्व सांसद वृद्धिचंद जैन को याद करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धनराज जोशी बताते हैं कि वह उच्च कोटि के विचारों के धनी थे। साथ साथ वे पूज्य बापू के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आमजन के बीच में गांधीवादी विचारधारा को मजबूत करने में अपना विशेष योगदान दिए गए। जोशी ने बताया कि समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आजीवन साधारण कार्यकर्ता की भांति जीवन जिया, इसलिए उनको मालानी का गांधी भी कहा जाता था। लगभग 50 वर्ष तक जुड़ा रहा हूँ। जोधपुर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर यहाँ वकालत प्रारंभ की, उसके बाद ही कुछ ही समय में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उस समय कांग्रेस के नेता श्री वृद्धिचंद जी जैन और पंडित देवदत्त तिवारी थे। और वृद्धिचंद जी की ये तारीफ थी कि जो बात उन्हें सही प्रकट होती, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, उनको वोट देने वाला हो या वोट नहीं भी दिया हो, उन्हें ये महसूस हुआ कि इसकी बात सही है, जनहित के अंदर है, तो उसके लिए पूरा प्रयास करते थे और नोट कर देते और उसको कह देते थे कि आपको जोधपुर या जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप आपका काम करूंगा, और वो काम हो जाता था। कभी भी उन्होंने घिस्सा नहीं दिया कि उन्नति बाड़मेर ज़िले में हुई। 6 में से 6 सीटें MLAs की उसमें वृद्धिचंद जी ने जो दिलाई वो आई, खुद MP बन गए दो वर्ष तक दो पीरियड पर। और उन्होंने बाड़मेर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में और विधानसभा में जैसा किया वैसा अब नहीं हो रहा है। और बाड़मेर में जो जल समस्या थी उसके समाधान के लिए, ये जो नेहरू नगर वाला पुल था इसके समाधान के लिए और जितनी भी समस्याएं थी
उन समस्याओं के हित के लिए, उनके समाधान के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो अभूतपूर्व है। उद्यमी मांगीलाल जैन और पूर्व सरपंच गोर्धन सिंह बताते हैं कि जैन के बाड़मेर के विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधीवादी विचारों के धनी वृद्धिचंद जैन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में दो बार प्रतिनिधित्व करना उनकी हर वर्ग के लोगों के साथ मजबूत पकड़ को दर्शाता है। वर्तमान समय में भी सीमांत क्षेत्र में राजनीति कर रहे युवाओं और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए उनका जीवन एक आदर्श के समान है। सर्वप्रथम मैं आज सामान्य वृद्धिचंद जी जैन साहब को उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि और नमन प्रस्तुत करता हूँ। वृद्धिचंद जी हमारे लिए एक आदर्श थे। उन्होंने हमेशा ही अपनी जिंदगी के अंदर सत्य और गरीबों के लिए ही काम किया है। उन जैसे नेता का आज के समय में मिलना लगभग असंभव है। मुझे एक वृद्धिचंद जी की बात हमेशा याद आती है कि वो शाम को हमेशा कांग्रेस ऑफिस, जो कि हमारा ऑफिस था, उसमें आते थे 5 बजे के करीब और लोगों की समस्याएं को सुनते थे। यदि किसी आदमी ने उनको कुछ कहा है और उनके दिमाग से लगता था कि वो चीज़ सत्य है, तो वो हमेशा अपनी डायरी के अंदर उसको नोट करते थे और नोट करने के बाद में अगला आदमी चाहे भूल भी जाए, वृद्धिचंद जी वो जिंदगी में वो चीज़ कभी भूलते नहीं थे। और जब तक वो काम नहीं होता था तो डायरियाँ बदलती जाती थी, लेकिन वो उसको अगली वाली डायरी में आगे ले लेते थे और जब उसका काम पूरा करके ही उनको संतोष होता था। एक नौकरी की तलाश में वृद्धिचंद जी के पास गया था और वृद्धिचंद जी के घर जा करके मैंने लोगों से जो उनका व्यवहार देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैं लगातार मेरा आना जाना रहा। फिर वृद्धिचंद जी ने 1980 के अंदर मेरे को कहा कि गोर्धन सिंह यार, 60 साल की राजनीति में जो काम हम बाड़मेर में नहीं कर सके, आप हमारे साथ आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं आपको सरपंच खड़ा करना चाहता हूँ। और ये बाड़मेर आगोर के अंदर ये जागीरदारों की पंचायत है, यहाँ हमारे कांग्रेस का कोई एजेंट बैठता नहीं, तो आप इसमें हमारी मदद करो और बाड़मेर आगोर में कांग्रेस रूपी वृक्ष लगाओ। तो मैंने हाँ दे दिया। मैं 81 में सरपंच पद पर खड़ा हो गया और वृद्धिचंद जी आए मौके पर मेरा हाथ पकड़ा, लोगों में ये संदेश भिजवाया कि ये युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ और वृद्धिचंद जी का शिष्य है और आने वाले समय में अपने एरिए का विकास होगा। तो इस प्रकार लोगों में मैसेज गया और मैं सरपंच पद का जीत गया। मैंने ये गुण देखा कि वो गांधीवादी, स्पष्टवादी, साफ सभी वाले और ईमानदार और बेबाक नेता। मैंने मेरे जीवन में ऐसा हिंदुस्तान में कोई नया नेता देखा और ना कोई सुना। जैन के पोते सुधीर जैन अपने दादा वृद्धिचंद जैन को याद करते हुए बताते हैं कि साल 1980 व 1984 में बाड़मेर जैसलमेर के वो सांसद रहे और 3 बार बाड़मेर विधानसभा से विधायक भी रहे। वह बाड़मेर के जिला प्रमुख और 1 बार बाड़मेर नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे। एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बाड़मेर के लिए गौरव की बात है, बाड़मेर जैसलमेर के लिए गौरव की बात है कि ऐसे शख्स जिन्होंने बाड़मेर जैसलमेर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और करीब करीब 60 साल से ज़्यादा की राजनीति उन्होंने की है, 2 बार MP, 3 बार MLA और जिला प्रमुख और इस प्रकार के पदों पर रहते हुए बहुत सारे बाड़मेर के लिए विकास के कार्यों के लिए, विकास गंगा बहाने के लिए, जब वो स्टार्टिंग में जब राजनीति में आए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पानी के लिए लोग तरसते थे और उन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया, जिंदगी भर लोगों के लिए बहुत सारे कामों के लिए संघर्ष किया और ऐसा करते करते उन्होंने जो इंदिरा कैनाल थी उसको यहाँ पर लाने के लिए बरकस प्रयास किया और लास्ट तक लड़ते हुए उसको मतलब इंदिरा कैनाल को ले आए यहाँ पर और उसकी वजह से आज बाड़मेर सारा मीठा पानी पी रहा है और यहाँ के लोगों को खेती और फसल में भी बहुत मदद मिल रही है। उसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं रखा जो उन्होंने नहीं किया यहाँ पे बाड़मेर के लोगों के लिए और वो जो अपनी बात करते थे वो बिल्कुल एकदम स्पष्टवादी थे और उनका विशेष तौर पे उनके लिए एक कहा जाता है कि मारवाड़ के गांधी, मालानी के गांधी के नाम की उपाधि उनको प्राप्त थी। जैन की याद में बाड़मेर नगर परिषद की तत्कालीन सभापति उषा जैन ने उनके नाम से केंद्रीय बस स्टैंड का नामकरण उनके नाम से ही किया था। वृद्धिचंद जैन अब्दुल हादी गंगाराम चौधरी सरीखे के प्रखर राजनेताओं में से एक थे जिनकी छवि एक जननायक थी। उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं होना चर्चा का विषय बना नजर आया।